सीहोर से कुंवर चैन सिंह ने जगाई थी क्रांति की चिंगारी। 1824 में अंग्रेजों से लड़ाई का प्रतीक है चैन सिंह की छतरी। देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली सशस्त्र क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे को माना जाता है, मगर कुंवर चैन सिंह की शहादत मंगल पांडे के शहीद होने की घटना से करीब 33 वर्ष पहले की है। कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ में अपने साथी हिम्मत खां और बहादुर खां सहित 43 सैनिकों के साथ अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए। पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक और अंग्रेज सैनिकों से हुई उनकी जमकर मुखभेड़। देश में जब अंग्रेजी कुशासन का दौर चल रहा था, तब उन्हें सीधे सीधे चुनौती देने एवं ललकारने का साहस मालवा में सीहोर की धरती पर कुंवर चैन सिंह ने दिखाया। उन्होंने अपने साथियों के साथ फिरंगियों से लोहा लिया, उन्हें नाको चने चबवाए, लेकिन अंत में वह वीर गति को प्राप्त हो गए। देश में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ पहली सशस्त्र क्रांति का पहला शहीद मंगल पांडे को माना जाता है, मगर कुंवर चैन सिंह की शहादत मंगल पांडे के शहीद होने की घटना से भी करीब 33 वर्ष पहले की है। सन 1818 में ईस्ट भोपाल के तत्कालीन नवाब के बीच हुए समझौते के बाद कंपनी ने सीहोर में सैनिकों की छावनी बनाई। मंत्री रूपराम के भाई ने कुंवर चैन सिंह के हाथों अपने भाई के मारे जाने की शिकायत कलकत्ता स्थित गवर्नर जनरल से की। गवर्नर जनरल के निर्देश पर पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह को भोपाल के नजदीक बैरसिया में एक बैठक के लिए बुलाया। बैठक में मैडॉक ने कुंवर चैन सिंह को दीवान आनंदराम बख्शी और मंत्री रूपराम बोहरा की हत्या के अभियोग से बचाने के लिए दो शर्तें रखी। पहली शर्त थी नरसिंहगढ़ रियासत अंग्रेजों की अधीनता स्वीकारे। दूसरी शर्त थी कि क्षेत्र में पैदा होने वाली अफीम की पूरी फसल सिर्फ अंग्रेजों को ही बेची जाए। कुंवर चैन सिंह द्वारा दोनों ही शर्तों को ठुकरा देने पर मैडॉक ने उन्हें 24 जून 1824 को सीहोर पहुंचने का आदेश दिया। अंग्रेजों की बदनीयती का अंदेशा होने के बाद भी कुंवर चैन सिंह नरसिंहगढ़ से अपने विश्वस्त साथी सारंगपुर निवासी हिम्मत खां और बहादुर खां सहित 43 सैनिकों के साथ सीहोर पहुंचे, जहां पॉलिटिकल एजेंट मैडॉक और अंग्रेज सैनिकों से उनकी जमकर मुखभेड़ हुई। कुंवर चैन सिंह और उनके मुट्ठी भर विश्वस्त साथियों ने शस्त्रों से सुसज्जित अंग्रेजों की फौज से डटकर मुकाबला किया। घंटों चली लड़ाई में अंग्रेजों के तोपखाने और बंदूकों के सामने कुंवर चैन सिंह और उनके जाबाज डटे रहे। ऐसा कहा जाता है कि युद्ध के दौरान कुंवर चैन सिंह ने अंग्रेजों की अष्ट धातु से बनी तोप पर अपनी तलवार से प्रहार किया, जिससे तलवार तोप को काटकर उसमें फंस गई। इस मौके का फायदा उठाकर अंग्रेज तोपची ने उनकी गर्दन पर तलवार का प्रहार कर दिया, जिससे कुंवर चैन सिंह की गर्दन रणभूमि में ही गिर गई और उनका स्वामी भक्त घोड़ा शेष धड़ को लेकर नरसिंहगढ़ आ गया। 1824 की ये घटना नरसिंहगढ़ रियासत के युवराज कुंवर चैन सिंह को इस अंचल के पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित करती है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्ष 2015 से सीहोर स्थित कुंवर चैन सिंह की छतरी पर गार्ड ऑफ ऑनर प्रारंभ किया है।